हेलो गाइस, जब भी आप कोई जॉब ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है, तो उसके बारे में आप जानना चाहते हो उसकी प्रोफाइल क्या है, कि एक्चुअली में वहाँ पे क्या काम होता है। आप ये जानने के लिए हमेशा बहुत इच्छुक होते हो, ठीक है, और ये जानना भी चाहिए, ठीक है। तो एक्चुअली में जो आज का वीडियो है, इसमें हम यही डिस्कस करेंगे कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जितनी भी जूनियर एग्जीक्यूटिव्स की जो पोस्ट होती हैं, उनका जॉब प्रोफाइल क्या होता है, ठीक है। एक्चुअली उस जॉब में क्या क्या टास्क इन्वॉल्व होते हैं, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो थोड़ा सा एयरपोर्ट अथॉरिटी के बारे में जानते हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर आती है, ठीक है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है जितना भी सिविल एविएशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है इंडिया में, उसको कैसे मेंटेन करना है टाइम टाइम पे, और उसमें क्या अपग्रेडेशंस लाने हैं और क्या नई चीज़ क्रिएट करनी है, तो ये सारा काम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया देखता है, ठीक है। उसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट पे भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है, इंडियन ओवर इंडियन एयर स्पेस एंड एडजॉइनिंग ओशियनिक एरियाज। उसके बाद टोटल जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो टोटल एयरपोर्ट्स हैं, वो 125 एयरपोर्ट को मैनेज करता है, जिसमें कि 78 डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं, 18 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, ठीक है, और 7 कस्टम एयरपोर्ट्स हैं, और उसमें से 26 मिलिट्री एयरफील्ड्स हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का जॉब प्रोफाइल। तो जैसा कि ये नाम में ही आपको पता चल रहा है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, तो जितनी भी एयर ट्रैफिक सर्विसेज होती हैं, जैसे कि आप वहाँ पे बैठ के क्या इन्फॉर्मेशन देते हो, कंट्रोल रूम में बैठ के ये इन्फॉर्मेशन देते हो कि किन्हीं भी दो एयरक्राफ्ट्स के बीच कोई कोलिजन ना हो जाए, आप सही से एयर ट्रैफिक को मॉनिटर करते हो, और उनको जो एयरक्राफ्ट्स होती हैं उनको आप सेफ़ और एक्सपीडिटियस फ्लो जो होता है एयर ट्रैफिक का, उससे आप मतलब उनको बताते हो, और साथ साथ में आप जो वेदर कंडीशंस होती हैं उनका भी आपको उसकी भी आप जो इन्फॉर्मेशन होती है टाइम टाइम पे देते रहते हो, ठीक है। तो जितना भी एयर ट्रैफिक से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, उनको कौन हैंडल करता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हैंडल करता है, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर एयरक्राफ्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो जो जिस ऑर्गेनाइजेशन का वो एयरक्राफ्ट है, उनको भी वो तुरंत इन्फॉर्म करते हैं, ठीक है, ताकि उनको रेस्क्यू एड तुरंत मिल जाए। नेक्स्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो इनका मेनली वो जितना भी इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है एयरपोर्ट पे, ठीक है, उसको ये लोग मेंटेन करते हैं। इलेक्ट्रिकल जो जूनियर एग्जीक्यूटिव होते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले, वो इस चीज सारी चीज़ को मेंटेन करते हैं। अब उस इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या चीज़ें आ जाती हैं, जैसे जितनी भी टर्मिनल बिल्डिंग्स होती हैं उनमें मतलब कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो, तो जो पावर हाउस है उनको मेंटेन करते हैं, और साथ साथ ही जैसे और भी एरियाज होते हैं, जैसे रनवे, एप्रोन या रैंप, ठीक है। तो ये जितने भी सारे जो एयरपोर्ट में एरियाज होते हैं, वहाँ की जो प्रॉपर लाइटिंग और जो प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी की पावर सप्लाई है, ठीक है, उसको भी ये लोग ही देखते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो एसी प्लांट्स हो गए, लिफ्ट्स हो गए, एलिवेटर्स हो गए, ठीक है, जो टर्मिनल बिल्डिंग्स में एलिवेटर्स होते हैं, तो इन सारी चीज़ों को भी ये इन लोग जूनियर एग्जीक्यूटिव देखते हैं, ठीक है। और लास्ट जो इनका वो होता है कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का भी मेंटेनेंस को भी ये लोग हैंडल करते हैं। उसके बाद फिर आता है जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल इंजीनियरिंग का जॉब प्रोफाइल। इसमें क्या होता है कि जितना भी एविएशन के अंदर जितना भी कंस्ट्रक्शन वर्क होता है किसी भी स्ट्रक्चर्स का या बिल्डिंग्स का, रनवेज का, ठीक है, तो ये सारा इनका कंस्ट्रक्शन का जिम्मा किसके अंडर आता है, वो जूनियर एग्जीक्यूटिव उसमें भी इन्वॉल्व रहते हैं, उसी चीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं जो सिविल इंजीनियरिंग में जो जूनियर एग्जीक्यूटिव होते हैं। और इनका और क्या काम होता है, जैसे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट आ रहा है, ठीक है, तो उस प्रोजेक्ट के बारे में पहले तो ये काफ़ी टेक्निकल और फिजिबिलिटी स्टडीज़ होते हैं कि क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, कैसे बनेगा, ठीक है, और फिर उसकी डिज़ाइन तैयार करने में भी मदद करते हैं, और उसके अगर और फिर साथ साथ अगर उस इंफ्रास्ट्रक्चर का जैसे साथ किसी के साथ कोलेबोरेट करके वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, जैसे L&T कंस्ट्रक्शन के साथ, तो जो टेंडर होता है, ठीक है, उसको सुपरवाइज़ ये लोग करते हैं, और उसके रिगार्डिंग जितने भी स्पेसिफिकेशंस होते हैं कि जो प्रोजेक्ट है उनका, तो उनका क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी, तो उस सबको भी ये
उनके कंपिलेशन में भी ये लोग काम करते हैं, और जितने भी डिज़ाइन और डेवलपमेंट प्रॉब्लम है उसको भी ये लोग हैंडल करते हैं। और साथ साथ में जैसे क्या होता है कि कोई भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई प्रोजेक्ट हो रहा है, जैसे कोई बड़ा सा कोई मान लीजिए टर्मिनल बिल्डिंग ही कुछ बनाई जा रही है साइड में, ठीक है, कोई मेन टर्मिनल बिल्डिंग के बगल में ही कोई टर्मिनल बिल्डिंग और एक बनाई जा रही है, तो वहाँ पे जो जैसे काफ़ी सारे लोग काम करते हैं, ऐसे लेबर हो गए, कॉन्ट्रैक्टर हो गए, ठीक है, तो आप उनको कैसे मैनेज कर रहे हो, ठीक है, तो एक तरह से वो प्रोजेक्ट के रिसोर्सेज हुए, तो उनको मैनेज करना भी इनके अंडर में आता है। उसके बाद फिर कोई भी जो प्रोजेक्ट सेटअप हो रहा है तो उसकी सस्टेनेबिलिटी और उसका क्या एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट होगा उसको भी ये लोग असेस करते हैं। तो ये सारा काम होता है जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल इंजीनियरिंग का। उसके बाद फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव एयरपोर्ट ऑपरेशंस, देखिए ये एक तरह से आप बोल सकते हो काफ़ी जेनरिक जॉब है। इसमें क्या होता है कि जितने भी एयरपोर्ट पे जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि पैसेंजर को कोई दिक्कत ना हो तो उससे रिलेटेड पूरा जो भी एयरपोर्ट पे जो आप बोल सकते हो कि जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, जैसे एयरपोर्ट, जैसे आप ये एक देख लीजिए कि पार्किंग में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए तो उसको मैनेज करते हैं ये लोग, ठीक है, और जैसे कोई भी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे एयरपोर्ट का, जैसे टॉयलेट हो गए, ठीक है, पानी की, या वो जो वेंडर शॉप होती है, मतलब जितनी भी एयरपोर्ट पे एक्टिविटीज़ होती हैं उनको ये लोग एसेस करते हैं, ठीक है, फिर उसकी इवेल्युएट करते हैं जितनी भी एयरपोर्ट की जो एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे और एयरपोर्ट पे क्या कि बहुत सारी पॉलिसीज़ होती हैं, एयरपोर्ट की रेगुलेशंस होते हैं कि आपको कुछ, अगर आप एयरपोर्ट में एंटर कर रहे हो तो कुछ रूल्स होते हैं वहाँ के, ठीक है, तो उसमें ये लोग असिस्ट करते हैं ताकि ये देखते हैं कि जो पॉलिसीज़ और रेगुलेशंस हैं लोग सही से फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे कई बार ऐसा होता है कोई कोई वीआईपी आता है जैसे, ठीक है, तो कोई बहुत जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं या कोई बड़े बड़े नेता लोग आते हैं तो उनका पूरा अरेंजमेंट भी इन लोगों को ही देखना होता है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एयरपोर्ट ऑपरेशंस में आती हैं। उसके बाद फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका क्या जॉब प्रोफाइल होता है, तो बेसिकली जो इनका जो काम होता है वो रिवॉल्व करता है एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोलर के अराउंड, ठीक है, जो एयर जो कंट्रोल रूम होता है वहाँ पे जो सिस्टम्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम्स उनको जो मेंटेन करने की जो वो होती है जिम्मेदारी वो इनकी होती है जूनियर एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वालों की। उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन का जो नेटवर्क होता है उसको भी ये लोग ही मेंटेन करते हैं, और फिर जितने भी नए कंप्यूटर सिस्टम्स हैं उनका इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन ये सारा काम जो भी हैंडल करते हैं ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले करते हैं। उसके बाद फिर जो भी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर में जो सिस्टम इंस्टॉल्ड होते हैं उनके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत आ जाए तो उसको डायग्नोस करते हैं, ठीक है, और तो ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले हैंडल करते हैं। उसके बाद फिर आता है जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड आप बोल सकते हो कि काम होता है वो सारा फाइनेंस वाला देखते हैं, जैसे पूरा जो आप बोल सकते हो उस ऑर्गेनाइजेशन का ईयर वाइज जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ठीक है, वो ये लोग तैयार करते हैं, जो कैश कंट्रोल का फ्लो है, ठीक है, वो ये लोग मेंटेन करते हैं, जो जो पेरोल है एम्प्लॉयज़ की, ठीक है, वो ये लोग प्रिपेयर करते हैं, तो ये जितना भी फाइनेंस रिलेटेड मैटर है वो ये लोग हैंडल करते हैं, ठीक है गाइज। तो गाइज़ इस वाले वीडियो में बस इतना ही, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। चलिए गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।